आज की स्टोरी मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। हाँ यार, मैं नूब हूँ। अगर मैं अपने प्लेयर्स का ख्याल रखता हूँ, मतलब उनको रिवाइव देता हूँ अपने स्क्वाड के प्लेयर्स को, तो भाई मैं नूब हूँ यार। ठीक है, मैं फायर के बीच में जाता हूँ और रिवाइव देता हूँ। खैर, हम लोग पुचंकी उतरे थे और वहां पर कोई भी नहीं आया था यार, तो हम लोगों ने सकून से लूट करी है। सकून से लूट करने के बाद एक प्रो प्लेयर को मैंने यहीं पे पेला। उसके बाद यार खच्चल खुआरी करने के बाद यार हम लोगों को रसोक के अंदर एक बंदा दिखा, जिसके आपके भाई ने उसी वक्त उसको चलती हुई गाड़ी के अंदर पेल दिया। बंदा बड़ी स्पीड के साथ निकला भाई। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कि यार, सोचते हैं कि यार हो सकता है इनका पूरा स्क्वाड हो, तो यार मैंने अभी इनको पूरा नहीं पेल दिया। मैं कहता हूँ इसको मारो, एक को रख लो। हाँ एक को रख लो ना, एक को मार दो। मेरे टीममेट्स की बातें चेक करो, मतलब बकरी है क्या यार। एक को मार दो, एक को रख लो यार। ऑफलाइन हो गए ये तो मेरा वाला तो है जिंदा। ना मारो उसको, फिर उसको बुला, इसको बोलना था कि अपने वो साथियों को बुला ले। भाई मारना तो मैं भी नहीं चाह रहा था, लेकिन यार लूट की बड़ी जरूरत थी, तो भाई आपके भाई ने इसको कंप्लीट पेला चाहिए। तो यार रजोक से फारिग होने के बाद हम लोगों को एक फ्रेड दिखती है, तो हम लोग सीधा उसी पे पहुंच जाते हैं। ईशान भाई ना गुस्सा। बाबा मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मतलब यार ये बंदा ओपन में क्या कर रहा है यार, फ्रेड चला के। भाई चुप जा यार, लोग आएंगे मारेंगे तुझे। कोई ऊपर है दो बंदे। खैर हमने उसी की पेटी लूटी यार। मुझे इधर से भी आई है, पीछे से भी आई है। खैर इनको निपटाने के बाद हम लोग आगे बढ़े ही थे कि यार देख रहे हो ना यार, गाड़ियां फट रही है, मतलब बम ब्लास्ट हो रहे हैं। यहां पर भी बंदे, लेफ्ट पे बंदे। बाबा रुकना, यहाँ पे मेरे टीममेट्स की तरफ बातें चेक करो, बोल रहे बुला लो यार, उन्हीं को कह रहे हैं कि बुला लो। अच्छा बुलाएगा वो तो देखो, उनके साथ होता क्या है यार। नाम किया था, देखा कह रहा है हेलो हेलो हेलो, जो नौ के बंदे अभी ड्रॉप के पास। हेलो हेलो हेलो, नहीं बोलना, ना बोलो साले। बहुत आला है ये, चेक करो भाई अख्तर भाई की बातें। अबे मर गए वो लोग यार, मतलब हम में क्या बुलवाना चाह रहे हो उनको। और बता बता बता, अरे ये तो वही सीन हो गया, मतलब पुष्पा गाड़ी पे बैठ के किधर जा रही हो यार। सालों ने पीछे से मुझे मारा, मैं इनके बंदों को कंप्लीट पेलूंगा। क्यों मारा मुझे, क्यों गोली मारी? तो नीदा पट। खैर अभी हम लोग घर के अंदर थे और ये लोग पीछे आ जाते गाड़ी के अंदर, और अख्तर भाई इनसे पता नहीं क्यों दोस्ती कर बैठते हैं यार। आओ नदी के पास हो, ये आपका बंदा नॉक हुआ यार। ये आपका बंदा है भाई, ना मारो इन्हें, इधर वाले ना मारो। लो भाई नहीं मारते यार अख्तर भाई, बस खुश। खैर यार अभी स्टोरी बिल्कुल एंड पे आ गई है और जोन भी चलना शुरू हो गया है, और मुझे बाबा बताता है कि यार इसके अंदर भी बंदा है। मैं ट्राई करता हूँ कि यार इसको भी पेल के जाए यार। जान भाई बैठो, बंदा मार लेते समझो। और जान भाई किल हो जाना यार उसने। चलो चलो, ओए यार मर गया भाई। भाई आपको ना मारो ना, आप लोग कम से कम, हम लोग आपकी तरफ आ रहे हैं।
यार ये देखो बाबा मुझे तो लेके आ गया कवर के अंदर और सर्कल के अंदर, लेकिन हमारे वुल्वरीन भाई जो है यार मतलब टॉप ले रहे हैं यार एक किस्म के, और वो अभी ओपन में और उनको ये लोग नॉक करते थे जिनको अक्सर भाई ने कहा था कि यार ना पेलो यार मार रहे हैं वो लोग सलमान भाई को। यार देखो यार ये जुल्म है यार, ऐसा ना किया करो यार, हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि यार पहले दोस्ती कर लेते हैं मतलब मीटअप का सीन है और उसके बाद पेल देते। अगर आपके भाई ने डिसाइड करा के यार आप दोस्ती करी है तो चाहे कुछ भी हो जाए बंदे को जाके यार देना है। ये मैच कितना मतलब एक तफरी मैच था और एंड में जाके कितना इंटेंस मैच हो गया। अगर मैं उस बंदे को रिवाइव नहीं देता तो शायद मैं एंड के अंदर पेल दिया जाता और हमें ये चिकन डिनर नहीं मिलता। तो कहने का मकसद ये, इस स्टोरी का मकसद ये है कि यार प्लीज रिवाइव दिया करो, रिवाइव पे बिलीव रखो यार, अगर अपने टीममेट्स को बचाओगे तो तुम लोग एंड तक जा सकते हो। और अगर ये वीडियो और ये मेरी एडिटिंग वगैरह तुम लोगों को सब अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, प्लीज 100 का टारगेट है, मुझे यकीन है तुम लोग कर दोगे यार। प्लीज मिलते हैं दूसरी स्टोरी के अंदर, टेक केयर, बाय।